नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में। मैं अंकित सिंह आपका स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपके लिए करंट अफेयर की नई वीडियो लेकर आया हूं। हाल ही में आपको एक दिन वीडियो नहीं मिल पाई, इसके लिए खेद है। तो आज आपका अर्ध साप्ताहिक करंट अफेयर का भाग 18 है। इससे पहले मैं 17 भाग पोस्ट कर चुका हूं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप उनको देख लीजिए। तो भाग 18 में मैंने 26 से 27 नवंबर तक की करंट अफेयर को कवर किया है। यहाँ पर नवंबर सही नहीं लिख पाया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो इसमें पहला क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है। मैंने वही क्वेश्चन कवर किए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। मैंने कोई अनावश्यक क्वेश्चन को शामिल नहीं किया है। तो पहला क्वेश्चन है, एशियन मैराथन चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? ठीक है, तो इसका आंसर है गोपी थोनाकल। ठीक है, गोपी थोनाकल ने एशियन मैराथन चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए कि किस धार्मिक स्थल को मोस्ट विजिटेड प्लेस ऑफ द वर्ल्ड का पुरस्कार दिया गया? ठीक है, तो विश्व में सर्वाधिक जो है देखा जाने वाला धार्मिक स्थल जो है वो स्वर्ण मंदिर है जो कि भारत का ही अमृतसर में। तो इसको विश्व का मोस्ट विजिटिंग प्लेस ऑफ द वर्ल्ड का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है आपका। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हाल ही में किसने मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? ठीक है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, तो वहाँ का जो मद्रास उच्च न्यायालय है उसके कौन से नए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने हैं? तो शत्रुघ्न पुजारी बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, चौथा क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विश्व के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता से लैस रोबोट नेता का विकास किसने किया? यानी रोबोट एक है जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता डाली गई है, उनका नाम है, रोबोट का नाम सैम है और जिसका निर्माण न्यूजीलैंड के 49 वर्षीय उद्यमी निक गैरिसन ने किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चौथा हुआ। पाँचवा क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है। तो पाँचवा क्वेश्चन है आपका कि संविधान दिवस हाल ही में कब मनाया गया? तो इतने दिनों में जो भी क्वेश्चन बनते हैं दिवस से रिलेटेड, वो भी मैं आपके कवर कर रहा हूँ। तो 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस, क्योंकि इसी दिन संविधान को अडॉप्ट किया गया था, अपनाया गया था, भारतीय संविधान सभा ने इसको अपनाया गया था और 26 नवंबर को ही संविधान बनकर कंप्लीट हो गया था। इसके बाद 26 जनवरी को वो लागू हुआ था, लेकिन 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो अब अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि इसी तरह की न्यू वीडियोस को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हम हर दो दिन में आपको करंट अफेयर की वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे और साथ ही साथ अदर सब्जेक्ट की वीडियो भी आपके लिए मैं बनाता रहूँगा। समय का केवल अभाव है, अभी मैं बहुत ही व्यस्त चल रहा हूँ। जो ही व्यस्तता मेरी समाप्त होगी मैं आपके लिए और वीडियो बनाता रहूँगा। ठीक है, तो नमस्कार, मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में।